चुनावों के नजदीक आते ही एक बार फिर पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि निचले हिमाचल के प्रति पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की भावना अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहां नेतृत्व भी खत्म कर दिया है और विकास भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वह वीरभद्र सिंह के निचले हिमाचल के साथ भेदभाव को तथ्यों सहित जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए उन्होंने आरटीआई मांगी है। उन्होंने कहा कि पोंग डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, अंद्रेटा में नॉर्थ इंडिया केंद्र खोलना व बिड बिलिंग का विकास कई ऐसे कार्य हैं जो पूर्व सीएम ने नहीं होने दिए। वह धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए ये सब बोल रहे थे। देने में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी बड़े चतुर थे, यही बात कहते थे कि हमारे इसमें ना तो कोई ऊपरला क्षेत्र है, ना निचला है, ना दायिक क्षेत्र ना बायिक क्षेत्र, सब बराबर है हमारे लिए। लेकिन उनमें निचले क्षेत्र के लिए अच्छी भावना नहीं थी, इसलिए यहाँ का नेतृत्व भी खत्म कर दिया, यहाँ की डेवलपमेंट भी खत्म कर दी। और ये तथ्यों के साथ में अगली बार आपके साथ जब भेंट वार्ता कर दूंगा, मैं तथ्यों के साथ रखूंगा क्योंकि मैंने आरटीआई कर ली। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं कि मंडी सीट के लिए लगातार बात आ रही है, तो वहां पर वीरभद्र सिंह और कौल सिंह आपस में जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भिड़ गए हैं कि आप चुनाव लड़े और आप चुनाव लड़े। देखिए, जो भी वीरभद्र सिंह कहता है, सुना है हमने कि मैं सातवीं बार भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तो पहले उनको एमपी बनने दीजिएगा मंडी से, उनको कहो कि चुनाव लड़े, इस बार एमपी बन जाए, फिर दिल्ली से जैसे पहले मुख्यमंत्री बन के आ गए थे, यहां आ जाए मुख्यमंत्री बन के, पहले वो चुनाव के मैदान में उतरे तो सही। अंट शंट बोलते रहते हैं उनको, मैं नहीं समझता हूं कि उनके मन में कुछ है। ये जो आपने प्रश्न उठाया कि क्यों नहीं यहां का डेवलपमेंट हुआ, यहां यूनिफॉर्म समान डेवलपमेंट निचले क्षेत्र की नहीं की, वीरभद्र सिंह ने इतने साल राज किया, उनका विजन नहीं था, उनके मन में और उनकी नजर में डिविजन था, विजन बिल्कुल नहीं था, डिविजन था क्षेत्रों का, वो कि क्या कहते हैं, वो डिवाइड कर देते थे क्षेत्रों को बिल्कुल। सर, अब मौजूदा भाजपा सरकार से चार्जशीट मामले पर भी उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी चार्जशीट बनाती है, और जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस चार्जशीट बनाती है, आखिर ये नौटंकी है क्या। उन्होंने कहा कि चार्जशीट का ये खेल पिछले 30 साल से चल रहा है, आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया और न ही किसी को सजा हुई है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं के फोटो व नाम सार्वजनिक होने चाहिए। जी, विषय जो था आज की इस वार्ता का मुख्य मुद्दा भी यही था कि देखिए, कब से हम सुने जा रहे हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसके विरुद्ध विपक्ष जो है, और ये भी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 30 वर्षों से 5 साल बीजेपी राज करती है, 5 साल कांग्रेस करती है, तो अगर आज बीजेपी सत्ता में आई है तो कांग्रेस विपक्ष में आज फिर कह रहे हैं कि हम आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। और अक्सर जो मंत्रिपरिषद होता है या बड़े बड़े इनके पार्टी के नेता, उनके विरुद्ध ये आरोप पत्र तैयार होता है, भ्रष्टाचार, हेरा फेरी, आचरण में कमी, चरित्र में कमी इत्यादि इत्यादि। अब ये जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब बीजेपी ने भी यही रास्ता इख्तियार किया था कि उन्होंने भी एक आरोप पत्र तैयार करके इनके विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक पेश किया, प्रस्तुत किया, कभी राज्यपाल को देते हैं, कभी कभी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तक जाके दे देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये नौटंकी है क्या, ये मजाक है क्या। जिन जिनके नाम आपने मंत्रियों के या नेताओं के या इनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने दिए, पहले कांग्रेस ने दिए बीजेपी के विरुद्ध, अब कांग्रेस दे रही है बीजेपी के विरुद्ध, पहले बीजेपी ने कांग्रेस के विरुद्ध दिया था, ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। ये बताइएगा कि आज दिन तक किस ऐसे आरोपी पर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, और कौन दोषी पाया गया, और किसको सजा हुई। क्योंकि जब आपकी सरकार आ जाएगी तो आप जितने भी केस हैं वो आप विड्रॉ कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में चले केस विड्रॉ कर ले। तो मैं जानना चाहता हूं ये मिलीभगत कहां तक है, दोनों राजनीतिक दलों में है या आगे जुडिशरी तक भी जाती है। ये मेरा प्रश्न है कि आप केसेस विड्रॉ कर लेते हैं, क्या आपके केस झूठ थे, आपने झूठे आरोप लगाए थे। अगर उसमें सत्य और तथ्य थे तो आज कई आपके जो आज सत्ता में बैठे मंत्री हैं उनको भी अंदर होना चाहिए था,
और पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी उनको भी अंदर होना चाहिए था, सिवाय एक जो आपके मुखिया थे कांग्रेस के उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जो जिनके ऊपर एक बड़ा गंभीर केस चल रहा है और उनके पूरे परिवार के ऊपर चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, और जो बेल के ऊपर जमानत के ऊपर छूटे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी 3 साल से चल रहा है, उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। जयराम ठाकुर सरकार द्वारा विकास करवाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जयराम ठाकुर अपने ही क्षेत्र का विकास करवाने का शिकार न बने तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हें नजरिया विशाल रखना होगा, तभी सम्मान रूप से विकास हो पाएगा। अगर वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, अगर वो अपने ही क्षेत्र को डेवलप करने का शिकार ना बने कि जी पहली बार मौका मिला है कि मंडी का कोई जो नेता था वो मुख्यमंत्री बना है तो मैं सारी कसर पूरी कर दूं, तो अगर उसका शिकार नजरिया, अगर विशाल नजरिया होगा इनका वर्तमान मुख्यमंत्री का, तब तो मैं समझता हूं कि एक समान रूप से सब एरिया का। लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी योजनाएं की घोषणा की, अभी तक मैंने निचले क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना का जिक्र इनको करते सुना नहीं है, विशेषकर कांगड़ा के लिए कोई जिक्र नहीं किया अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट का या बड़ी योजना का। ऊपर के लिए बड़े बहुत योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं आप, लेकिन यहां नहीं हुआ। आप देखिएगा, एक वर्ष पूरा हो रहा है, यहां जश्न मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला आ रहे हैं, देखें उस वक्त क्या करते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहां पहले भी कहा कि एक हिंदी फिल्म निकली थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आज तो हम इस पे पहुंच गए हैं कि जी कौन कौन से ठग्स हैं, हिंदुस्तान के कौन ठग हैं और हिमाचल प्रदेश के कौन ठग हैं, ऐसी एक सूची निकाली जाए, उनकी तस्वीरें निकाली जाए, क्योंकि ये जो आरोप पत्र दायर कर रहे हैं इनमें जो भी है इनकी तस्वीरें डालो कि ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, ठग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है। जो एक अगस्ता वेस्टलैंड का केस कांड चला है और एक रफेल का चला है, उसके डाले कौन कौन वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान को। बड़ी दुर्दशा हो रखी है, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं होती है। एक पार्टी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री या उनके पार्टी कहते हैं कि ये जो हमें चोर कह रहे हैं सबसे बड़े ठग ये है, तो ये सारे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो हो गए हैं। उनकी पिक्चर फिल्म शायद नहीं चली होगी, ये तो फिल्म चलती रहेगी, देखते रहिए सर। अगर नहीं